ऑप्शन थर्ड है स्टूडेंट, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड, ठीक है, एंड हैंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर। पार्ट मीन्स आपको यहाँ पे ना फ्रैक्शन पहले आंसर निकालना है, देन उसको परसेंटेज में चेंज करना है। सो एक सर्किल में टोटल चार क्वाड्रेंट होते हैं, अभी आप देख रहे हैं ओनली वन क्वाड्रेंट में कलर कर रखा है, थ्री में नहीं। सो टोटल फोर पार्ट्स में से आपके कलर्ड पार्ट कितना है, ओनली वन, तो ये 1/4 एक आंसर। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो हमें पता है परसेंटेज में बदलने के लिए आपको इस फ्रैक्शन को 100 से इंटू करना पड़ेगा। 4 की टेबल में 100 आपके 25 टाइम आता है, सो 1 × 25, सो योर परसेंटेज में ये 1/4 रिप्रेजेंट होगा 25%। एक आंसर तो ये था, एक आंसर ये, ठीक है ना। नाउ इसका बी पार्ट, ओके, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव पार्ट्स करे हमें इस सर्किल के, एंड इसमें से आपके थ्री पार्ट है ना, इन्होंने क्या कर रखे हैं, शेड कर रखे हैं। सो फाइव पार्ट में से थ्री पार्ट शेड कर रखे हैं। नाउ इसको हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से इंटू करेंगे, 5 की टेबल में 100 20 टाइम्स आता है, सो 3 × 20 डेट इज इक्वल्स टू 60%। ओके, अवर आंसर इज 60%। नाउ नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एट पार्ट है टोटल, इनमें से थ्री पार्ट शेड किए हुए हैं, सो 3/8 फ्रैक्शन में। अब सेकेंड आंसर परसेंटेज में निकालने के लिए हम इसको इंटू करेंगे 100 से, ओके, सो 8 से डिवाइड कर रहे हैं 100 को, सो इट्स 8 × 1 = 8 रिमाइंडर 2, नेक्स्ट इज ड्रॉप करिए 20, 8 × 2 = 16 रिमाइंडर 4, अब रिमाइंडर छोटा है इस डिजिट से, सो अब ड्रॉप करने के लिए भी कोई डिजिट नहीं है, तो फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाते 40, 8 × 5 = 40, सो 12.5 टाइम ये से डिवाइड हो गया, सो 3 × 12.5, ओके, 3 × 5 = 15 वन कैरी, 3 × 2 = 6 and 1 = 7 ओके, एंड 3 × 1 = 3 और ये डेसिमल डिजिट में, ये डेसिमल नंबर में एक डिजिट आपके पॉइंट के बाद है, और ये तो होल नंबर है, सो आंसर में ओनली वन डिजिट आएगी, वो भी इसकी है ना, क्योंकि इसके अंदर एक ही डिजिट है तो इससे ही काउंट करेंगे, इसमें तो होल नंबर में तो कोई डिजिट नहीं आ रही, सो आंसर में ओनली वन डिजिट आएगी पॉइंट के बाद। तो लास्ट हमने इसको ले लिया और उससे पहले पॉइंट लगा दिया, तो 37.5% 3/8 परसेंटेज में 37.5%। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा फिनिश्ड। अब 15% ऑफ 250 निकालना है, 250 का 15%, सो 15 परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है, और ऑफ का या का हटाओगे तो इंटू का साइन आएगा, एंड 250, ओके, 10 से 10 कैंसिल, सो ये आपके आ गया 15/10 × 25 25 × 15 कर देते हैं 375/10। अब आपके अपॉन में 10 है, सो व्हेन आप इसको ना डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगी, एंड ये ही आपका क्या है आंसर। तो 15% ऑफ 250 इज 37.5। नाउ इट्स बी पार्ट, इसका बी भाग आप देखिए, 1% ऑफ 1 आवर निकालना है आपको, ओके, एक घंटे का 1%, तो 1/100 परसेंट का साइन हटाया तो ऑफ को हटाया तो इनटू एन 1 आवर, ओके, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स, और आप चाहो तो इसको आवर्स में भी रख सकते हो, सो आपकी मर्जी है किस में आप करना चाहते हो, 0 to 0 कैंसिल, सो इट्स 6/10 और यू कैन से 0.6 मिनट, ओके, अगर आप आवर में निकालते हो तो आवर में इस तरह से 1/100 × 1 आवर,
ओके, वन इंटू वन वन अपॉन 100, 2 0 है, तो जो आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट आएगी। अब वो आपके पास ओनली 1 डिजिट है, सो पॉइंट के बाद इस प्लेस पर आ जाएगा 0, सो 0.01 आर, और मिनट में 0.6। 20% ऑफ 2500, सो परसेंटेज का साइन हटाने पे, अपॉन में 100 ऑफ का हटाने पे, इंटू 2500, ठीक है। ऑफ का हिंदी में मीनिंग होता है का जब आप हटाओगे का को, तो गुणा का आपका चिन्ह आता है। 100 से 2500 25 टाइम डिवाइड हो गया, सो 20 इंटू 25, 25 2 जा 50, एन 10 है इसके अंदर, देखो 25 2 जा 50, एन 10, तो 500 आपका आंसर। 75% को फ्रैक्शन में लिखने के लिए परसेंटेज का साइन हटाया, तो अपॉन में 100, ऑफ को हटाया तो इंटू एन 1 kg, सो 75 1 जा 75 अपॉन 100, 2 0 है, सो डेसिमल आंसर जो आप निकालेंगे उसमें 2 डिजिट आएगी, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 1 एंड 2, सो 0.75 kg। आप चाहो तो ग्राम में निकाल सकते हो, मैंने kg में ही फाइंड किया है। ओके, सो दिस इज योर, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4, सो इट्स फिनिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।